प्रेम, प्रेम है क्या? स्वर्ग से उतरी हुई एक किरण, अंधकार से निकला हुआ ऊर्जा, जो दोनों किसी व्यक्ति के कार्य को देख के आपके मन को आनंदित कर देते हैं, इसे कहते हैं प्रेम। यही प्रेम और आनंद मिलके भक्ति बन जाता है। प्रेम के बारे में बहुतों ने बहुत कुछ कहा है, प्रेम की परिभाषा बहुतों ने दी है। कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जन्मुआ और पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम ही एक ऐसा है, कितने पोथी पढ़े, विद्वान पढ़े, लेकिन अगर उनके मन में प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो सारा प्रेम बेकार है, सारी बातें बेकार है। प्रेम, प्रेम तो भंवरा करता है। भंवरे की खासियत यह है, किसी कमरे में बंद कर दिए वो छेद करके निकल जाता है, लेकिन भंवरा प्रेम करता है कमल के फूल से, कमल के पुष्प से, बैठ जाता है उसके पराग पे, पराग को चूसता है, पराग से खेलता है, कमल के फूल से खेल रहा है, वो खेल में इतना मग्न हो गया, उस प्रेम में इतना मग्न हो गया, कब सूर्यास्त हुआ पता ही नहीं चला। कमल की खासियत है सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। अब वो भंवरा चाहे तो उस फूल को छेद कर बाहर निकल जाता है, लेकिन नहीं, यही है प्रेम की पराकाष्ठा। क्योंकि जिससे उसने प्रेम किया उसको वो दर्द नहीं देना चाहता, रात भर वो उसी कमल पुष्प में बंद रहता है, सूर्योदय होने के साथ ही उड़ के जाता है, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम पाना आसान नहीं, प्रेम और प्यार में बहुत फर्क है। प्यार एक क्षणिक बात है, जबकि प्रेम आत्मिक बात है। जब हम आत्मा से किसी को प्रेम करते हैं वही प्रेम है। प्रेम की बात चले और अगर हम गोपियों की बात न करें, गोपियों ने प्रेम किया था कृष्ण से, गोपियों का कृष्ण से जो प्रेम था वो आत्म शारीरिक प्रेम नहीं था, वो आत्मिक प्रेम था, मानसिक प्रेम था, और उस प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। रासलीला रचाती थी लेकिन उसमें कहीं वासना नहीं होती थी, वहाँ प्रेम होता था। शुद्ध बुद्ध खो देती थी गोपियाँ, लेकिन वो उसी प्रेम में खोती थी। कृष्ण जब मथुरा चले गए और गोपियाँ वृंदावन के सीमा पर रह गईं, कृष्ण ने मथुरा में जाके कहा उन अपने मित्र से उद्धव से, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा ये प्रेम क्या होता है, मेरी योग विद्या है सारा उनको मैं शांत कर दूंगा, भेजा उद्धव। उद्धव का गोपियों ने बहुत सत्कार किया, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के दूत थे। लेकिन कृष्ण के दूत थे, जब उन्होंने समझाना शुरू किया प्रेम को योग से कैसे खत्म करें, गोपियों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हे उद्धव हम योग योग हम नहीं, हम इस योग करने के योग्य नहीं है, हमें तो भगवान कृष्ण से प्रेम है, आप कहते हो उस प्रेम को हटा दे। अरे भगवान कृष्ण जो है वह हमारे हृदय में तिरछे गड़े हुए हैं, हम उनसे इतना प्रेम करते हैं वो मेरे तिरछे गड़े हैं, और कोई चीज़ आप समझते हैं, जब बर्तन है बर्तन में कोई चीज़ तिरछा रखो तो आसानी से नहीं निकलता। तो उसी तरह उन गोपियों ने उद्धव को समझाया और उद्धव नतमस्तक हो गए उन गोपियों के। उन्होंने गोपियों को कह दिया तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, तुमने हमें ज्ञान दिया है, प्रेम का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर सके थे, आज तुमसे प्रेम से, प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात कही कबीर ने, एक ऐसा दोहा है शायद सुनने को न मिला हो प्रेम के बारे में, उन्होंने कहा तिनका उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास। ऐसी बात कही उन्होंने। अभी बगुला, बगुला शब्द क्या है, अभी आपने रोज टीवी में देखा है एक चक्रवात उठा, चक्रवात आया, विपर्जॉय चक्रवात आया, चक्रवात वो चीज़ है, वही बगुला है कि नीचे से ऊपर उठता है, प्रेम का जो ज्वार आता है, प्रेम का जो छ्वास आता है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, उठा बगुला प्रेम का, मन के अंदर हृदय के अंदर जो प्रेम का बगुला उड़ा, तिनका उड़ा आकाश, वो व्यक्ति आकाश, वो प्रेम आकाश में उड़ गया। आगे कहते हैं तिनका तिनके से मिला, तिनका हम हैं जो हमारे हृदय में प्रेम है, और तिनका फिर कौन सा है जिससे हम प्रेम करते हैं। पुनः कबीरदास कहते हैं तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास, पुनः दोनों विलग हुए अपने अपने पास आ गए। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। इतनी आत्मिक भाव थी, इतना निश्चल भाव कहा, और फिर अगर
प्रेम की बात हो तो मीरा से बड़ी कोई बात नहीं। मीरा ने जब प्रेम को आनंद में तिरोहित कर दिया वो भक्ति बन गई, वो प्रेम की पराकाष्ठा हो गई। जब मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये प्रेम था, यहाँ वासना नहीं थी, कोई और बात नहीं थी, वो कृष्ण में कितना खोई हुई थी। बाद में जब वही मीरा कहती है हेरे मैं तो प्रेम दीवानी, दीवानी कहते ही लोग कहते पागल है, उसने कहा पागल कहेंगे तुम्हें लोग लेकिन उसे याद मत रखो, पागल तो कहने वाले वो हैं जिनको समझ नहीं है, क्योंकि पागल और दीवाना, दीवाना अपने में मस्त है, उसको किसी की परवाह नहीं है। तो उस तरीके से मीरा कहती हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। अब आगे कहती है मेरा दर्द न जाने कोई, ये दर्द किस चीज का दर्द, ये दर्द है प्रेम का दर्द, निश्चल जो प्रेम किया है उसका दर्द है। कोई कहता है वैद्य बुलाओ कि इस दर्द को और कौन संभाल सकता है, कोई वैद्य बुलाओ, तो मीरा बहुत अच्छा कहती है मेरा तो वैद्य संवरिया, मेरो तो वैद्य संवरिया, जिस संवरिया से मैंने प्रेम किया है वही मेरा वैद्य है, उस वैद्य को यहाँ लेके आओ तो ही मेरा ये दर्द जा सकता है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, प्रेम मेरा सर्वोत्तम है, कृष्ण मेरे सब कुछ है। ये था प्रेम में निस्वार्थ भावना। इसीलिए कहते हैं रहीम ने कहा प्रेम के बारे में बहुत अच्छी बात कही, इसी से अंत करता हूँ कि रहीमन डोरी प्रेम की, रहीमन डोरी प्रेम की मत खींचो लिसियाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे प्रेम दोस्तों में होता है, प्रेम पति पत्नी में होता है, प्रेम परिवार में होता है, लेकिन कहते हैं थोड़े से गुस्से में इस प्रेम की डोरी को मत तोड़ो, क्योंकि एक धागे को तोड़ दीजिए और उसे फिर जोड़िए तो कहीं ना कहीं एक गांठ आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा रहीमन डोरी प्रेम की मत खींचो रिसियाए, टूटे तो फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो मेरे मित्रों मैं यही कहता हूँ प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, हमारी चर्चा अच्छी लगी है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, निरंतर ये चैनल चलता रहेगा।